Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव में मुख्य धारा की राजनीति पार्टियों के साथ कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री यानी कि तुलसी सिंह सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के इस्तीफे स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिए हैं। बता दें कि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, साथ ही इस बार के उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। दरअसल संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी मंत्री सदन का सदस्य बने बिना 6 महीनों से ज्यादा समय तक मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता है। ऐसे में इसी प्रक्रिया के तहत दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा है। उपचुनाव की बात करें तो शामबेर विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच। हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिंह सिलावट ने नामांकन भरा तो वहीं अगले दिन गुरुवार को प्रेमचंद गुड्डू ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ने ही नामांकन के साथ अपनी आय का शपथ पत्र भी दिया है। सांवेर से 4 बार विधायक रहे मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अब की बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश चुनाव से पहले इन दो नेताओं का इस्तीफा दिया जाना कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इनके मंत्री पद जाने के बाद कांग्रेस पार्टी इन पर जबरदस्त तरीके से धावा बोल सकती है और इनकी जो नज़र, जिनकी जो पावर और इनकी जो शक्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.